वाह क्या कलर है, देखो यार बेहतरीन कलर। एंड यहाँ पे भी देखो यार डिस्कस क्या मजा आ रहा है, पूरा रेड है, ये चिली रेड है ना। लायन फिश, ओ माय गॉड, अरे ये फंस गया है क्या। ओ यहाँ पे भी कुछ बेहतरीन कलेक्शन मरीन फिश। दोस्तों तो आ चुका हूँ इशरफ इंटरनेशनल मरीन फिशेस, जो होलसेलर एंड रिटेलर दोनों भी डील करता है, और पहली बार मेरे चैनल पर मरीन फिशेस आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद एक्साइटेड हूँ और अभी दरवाजे पे खड़ा हूँ, अंदर चलते हैं। अंदर जाके पहले जैसे मिलवाता हूँ, उसके बाद वही हमें हेल्प करने वाले। ये है रौनक, तो कैसे हो भाई? यही तो चल रहा है। चल रहा है, अच्छा और बताओ इस शॉप के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये है हमारा पूरा फार्म, ये है हमारा कोलकाता का फार्म है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा 20,000 लीटर का सेटअप है पूरा। इस तरफ है जो है ये सारा फ्रेश वाटर है। अच्छा, और ये जो है ये है मेरे इन्वर्ट का। अच्छा, सर प्लांट एवं जो स्टार फिश होता है वो रहता है, और वो जो है वो सारा है मेरे इनका सेटअप है पूरा। और ऊपर के टैंक्स में भी कुछ नहीं है क्या फिलहाल? वो सारा है रिजर्व। अच्छा, तो फिर दोस्तों एक एक करके सारे फिश दिखाएंगे, आप पकड़ के दिखा दोगे ना फिश हमें? यस, मरीन फिश हम सामने से देखने वाले हैं, और प्लस ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाती है। हाँ, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाते हैं, अगर आप एक पूरा बॉक्स जो है वो वाला बॉक्स ऐसा बॉक्स। अच्छा हाँ, एक अगर पूरा बॉक्स ऑर्डर करते हैं तो ऑल इंडिया पूरा फ्री डिलीवरी हो जाता है। हाँ, और पूरा कोलकाता में जो डिलीवरी है वो एकदम फ्री है। अच्छा, आप लोग के वो चार्ज लेते हो अगर उतना बड़ा, मतलब कि अगर हमने ऑर्डर किया किसी ने भी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दोगे ना? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके ठीक है, तो पहला हम शुरू करें टैंक जिसमें है शिवरम, तो बताना इसके बारे में थोड़ा बहुत। ये है रेड स्पॉटेड शिवरम, ये सिर्फ हमारा जो ये जो इसका जो क्वालिटी है ऑल इंडिया में इसका क्वालिटी एकदम बेस्ट है। सब कुछ जो है इसका सीजन किया हुआ है, मतलब इसका मतलब जो है इसको अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये बिना कुछ मतलब ऑक्सीजन के और बिना कुछ फूड के ये पूरा इंडिया में ट्रेवल कर पाएगा 3 दिन तक। अच्छा, वैसा आप लोगों ने इसको बना लिया राइट? हाँ हाँ, बेटर है। ओके, तो फिर मुझे ये बताना इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, और अगर मेरे चैनल के थ्रू कोई आया तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? इसका जो MRP है वो 499 है। 499, ओके। और अगर आपके चैनल के थ्रू आएगा तो हम लोग इसको 300 में दे देंगे। ओके, और होलसेल अगर कोई लेना चाहे, होलसेल अगर लेना चाहेगा तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर में कॉन्टेक्ट करना डिस्क्रिप्शन में, या फिर 220 के आसपास पड़ेगा। जो भी एक्सपीरियंस हमें फिशिंग के थ्रू आएगा तो अभी सिर्फ इसी में नहीं सभी में आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर कोई भी आएगा होलसेल लेना चाहता है या फिर तो सिंगल रिटेल लेना चाहता है तो उसको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कॉल कर लेना, मैं नंबर वगैरह सब दे दूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट टैंक पर। तो यहाँ पे डिस्कस दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर पूरा जो मछली है ये सब डिस्कस है, इसमें बहुत सारा वैरायटी है। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये चीज, इसका इसको कहते हैं चेकर बोर्ड, इसका प्राइस सबसे ज्यादा है 1300 रुपया करके है एक आपका, और इसका जो होलसेल रेट है वो 900 समथिंग है। अच्छा, मुझे पता नहीं, अगर आप कॉल करेंगे तो देखिए होलसेल रेट फ्लक्चुएट करता है, तो आप अगर आप कॉल करेंगे, हमारा 24/7 पूरा कॉल सर्विस खुला है, आप जब भी कॉल करेंगे तो हम होलसेल रेट आपको बोल देंगे। ठीक है, तो ये है आप चेकर बोर्ड डिस्कस, इसका प्राइस है 1300। ये जो है ये भी चेकर बोर्ड है, इसका प्राइस है 1100। अच्छा, ये जो है इसको कहते हैं डिस्कस इरप्शन। अच्छा, और इसका प्राइस है 1100 रुपये। और ये सब ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगी और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा राइट? डिलीवरी हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर फिश मर जाता है तो? अगर फिश मर जाता है तो वो हमारा पूरा रिफंड, पूरा रिफंड, पूरा रिफंड कर देते हो राइट? ठीक है, वैसे मरता कभी नहीं है क्योंकि इस सबका जो है सीजन किया हुआ है, ये बिना फूड के 3 दिन बच जाएगा, 3 या 4 दिन। ओके okay. ये जो है इसको कहते हैं डिस्कस डायमंड ब्लू, इसका डिमांड अभी कोलकाता में बहुत ज्यादा है। ये हमारे पास 20 पीस था कभी कल, तो आज ये सिर्फ 2 ही है। अच्छा, ये एकदम इसका जो कलर है डायमंड कलर का है, इसलिए इसका जो प्राइस है थोड़ा ज्यादा, ये है 750 करके है हमारे पास सिंगल पीस। हाँ, सिंगल पीस। तो होलसेल कितना लेना पड़ता है वैसे अगर लिया तो? अगर लिया होलसेल तो ये 600-500, देखिए होलसेल रेट एकदम नहीं, मतलब कितने पीसेस लेने पड़ेंगे अगर होलसेल लिया तो? होलसेल लिया तो आपका मिनिमम 5-6 पीसेस ले लिया तो ये 500-600-700 में आ जाएगा। अगर लोकल में है तो पीसेस कम होगा, अगर ज्यादा दूर में है तो पीसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वो रेड वाला बताइए,
रेड वाला जो डिस्कस है इसको कहते हैं मालब्रो डिस्कस और हम इसको कहते हैं डेड बॉल डिस्कस। इसका जो मुंह है ये पूरा व्हाइट रहता है, इसका जो टेल है वो एकदम रेड रहता है, रेड रहता है। इसका लाइफ स्पैन है एकदम 10 से 15 साल इसका लाइफ स्पैन। और ये बहुत बड़ा होता है ना, अभी कितने इंचेस का ये छोटा होगा? अभी ये दो से ढाई इंच के इंचेस का है और ये तकरीबन ऐसा बड़ा हो कुछ। और ये शिवरम कितने इंचेस का है फिलहाल? शिवरम तो आप 3 इंचेस का है, 3 या 4 इंचेस। जो व्हाइट वाला जो डिस्कस है इसको कहते हैं स्नो व्हाइट डिस्कस। इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है कोलकाता में। कल हमारे पास 2 पीस था इसका बड़ा बड़ा और आज 1 पीस ही है। इसको ज्यादातर नहीं मिलता है, जो मेरिन हॉबिस्ट है या फिर फ्रेश वाटर हॉबिस्ट है वो सब जानते हैं कि इसका डिमांड कितना है। ये आपका पड़ जाएगा 1100 रुपये सिंगल पीस। दोस्तों आप इन फिश की क्वालिटी देखो, ये है आपका शिवरम, कितना प्यारा है और आप देख पा रहे हो क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितना बड़ा भी साइज है इसका। यहाँ पे है चेकरबोर्ड डिस्कस, देखो क्वालिटी कितना अच्छा है और कलर देखो यार, इतने सामने से गाइस मैंने कभी देखा नहीं डिस्कस को, वो भी हाथ में लेकर। बहुत सारे शॉप्स में तो इस तरह से दिखाया भी नहीं जाता, यहाँ पे तो इनको उठाया भी जा रहा है, जबकि डिस्कस बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फिश होते। देखो ये क्वालिटी आप देख पा रहे हो सामने से, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल उठवाया ताकि आप लोगों को क्वालिटी पता चले एंड उसी हिसाब से जो आप ऑर्डर कर पाओ। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है गाइस ये सारे फिश। तो अभी थर्ड टैंक पे यहाँ पे कुछ ऑस्कर्स हैं, अभी कम हो गया क्या या मतलब आप लोग का स्टॉक सारा? अभी बहुत ज्यादा था, ये दोनों पूरा भर के था, अभी तो थोड़ा ही है। यहाँ पर है जो है जो रेड वाला है, इसको कहते हैं रेड चिली ऑस्कर। इसका प्राइस है आपका 200 से 250 रुपया, ठीक है इसका प्राइस है। और जो येलो वाला है उसको कहते हैं मैंगो ऑस्कर, ठीक है इसका प्राइस होगा आपको आपका 300 से 350 तक इसको मिल जाएगा। अच्छा तो भैया जो आप प्राइस बोल रहे हो ये मेरे चैनल से आने के बाद उन लोगों को डिस्काउंट मिलेगा? हाँ, राइट, ये आपके थ्रू आने के बाद उसको डिस्काउंट मिलेगा। वैसे इसका प्राइस है 400 रुपीज। अच्छा तो और जो हॉबीस्ट है उसको तो पता ही है इसका जो प्राइस सारा होल्ड इंडिया में 400 रुपीज मिलता है। अगर हमारे यहाँ आपके चैनल के थ्रू कोई आता है या फिर ऑर्डर करता है तो उसको मिलेगा सिर्फ 300 रुपए। और होलसेल में? तो दोस्तों होलसेल में अभी रेट चल रहा है फिलहाल 180, लेकिन ये चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। आप कॉल कर लेना, बट आपको ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, थोड़ा बहुत फर्क नहीं, ठीक है 10-15 रुपए का फर्क पड़ेगा। अभी 180 बता रहा हूँ, फिर कल आके आप बोलो कि आपने 180 बताया लेकिन 190 हो गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि होलसेल में थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस होता रहता है, लेकिन आप मेरे चैनल के थ्रू आओगे तो आपको डिस्काउंट डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे साइज देखना है, दिखाओ। ओ वाह, पूरा रेड है, ये चिली रेड है ना? रेड चिली। और ये और ओके ठीक है चलेगा। पे एरवाना रखा हुआ है, क्या प्राइस है एरवाना का? एरवाना का जो ये वाला प्राइस है ये है आपका तकरीबन 900 रुपया पड़ेगा इसका। अच्छा, अगर आपके थ्रू आता है तो इसका प्राइस हम कर सकते हैं तकरीबन 800 से 750। ठीक है, ये एकदम हाई डिमांड मछली होता है, इसको जो पालते हैं वही जानते हैं इसका। मेरे पास भी एरवाना एक्चुअली, हाँ मुझे पसंद है। तो अभी एक ही है क्या या? हाँ अभी एक ही है, कल एक बड़ा वाला था निकल गया है, अभी एक ही है, एक बच्चा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपको दिखाता हूँ मरीन फिश जो यहाँ पे इन्होंने स्टॉक पे रखा हुआ है, मैं सामने से देखना चाहता हूँ। तो ये मुझे जो पकड़ के भी दिखाने वाले हैं सोचिए, तो चलो देखते हैं मरीन फिश। पहला टैंक में ये वाला है, ये कौन सा है? ये है आपका क्लाउन में, इसका नाम है क्लार्गी क्लाउन। काफी बड़ा है, क्या इंचेस में होंगे ये? ये तकरीबन आपका 5 इंच तक हो जाएगा। और क्या प्राइस है? तो ये आप बोलो 6 इंच का है और सिंगल पीस है 1600 रुपीज, राइट? हाँ। तो विद डिस्काउंट है कैसा है मतलब वो प्राइस? विद डिस्काउंट आपका पड़ेगा 1500 रुपए। ठीक है, और ये होलसेल होता है? इसमें भी होलसेल होता है ना? इसमें होलसेल होता है, लेकिन इसका प्राइस आपको फोन करने पर मिल जाएगा। अच्छा तो फोन कर लेना गाइस, और उसके बाद आप देख लेना। यहाँ पे और भी फिश दिख रहा है मुझे, ये कौन सा है? ये है एंथ्रियस रेड, इसको बोलते हैं। ये बहुत हाई डिमांड मछली है, छुपा है पूरा, अंदर छुप गया। ये पूरा छुपा हुआ रहता है क्योंकि इसका जो हाइडिंग प्लेस रहता है, ये जो पाइप दिख रहे हैं आप, अगर आपके एक्वेरियम में रहता है तो आपको हाइडिंग प्लेस देना होगा, नहीं तो ये नहीं बचेगा। ये एकदम एग्रेसिव नहीं होता है, एकदम शांत होता है ये मछली। तो इसका प्राइस आपको तकरीबन, बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम ऑरेंज कलर का है ना? एकदम ऑरेंज। एक नीचे मैंने कुछ लोच टाइप का देखा, वो क्या है? अच्छा, नीचे में एक है, इसको कहते हैं गोबी फिश। ओ गोबी फिश का या वो भाग गया, वो आगे चला गया, बहुत छुपा है। ठीक है, ये मेरिन फिश होता है, नहीं तो इसको पकड़ कर दिखाता। ये एक उठा के दिखाना, वो वाला क्लाउन फिश। आपका स्टॉक थोड़ा कम हुआ है, सब मतलब सोल्ड आउट हो गया ना? हाँ, सब निकल गया। ये देखिए, ये है क्लाउन फिश,
वाह, मैं तो पहली बार एकदम सामने से देख रहा हूँ, कितना सुंदर है, ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते। यस, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके ठीक है, तो ये भी देख लिया, अब चलते हैं नीचे। ये कौन सा है? ये है यूरोटेल ब्लू डेमसेल। डेमसेल येलो टेल ना। जब लोग पहली बार मेरिन सेटअप करता है तो सबसे पहला जो मछली है यही लेता है। अच्छा, जैसे गोल्ड फिश, कप्पीस लेते हैं लोग, वैसे? हाँ, वैसे ही मेरिन का ये सबसे फास्ट वाला फिश होता है। अच्छा, तो इसका प्राइस कितना होगा फिर? इसका प्राइस आपका तो 650 रुपया है, 650 से सिंगल पीस है। सिंगल पीस अगर आपके चैनल के थ्रू आएगा तो इसको हम 400 तक कर देंगे। 400 तक, ठीक है। सिंगल पीस। ओके, सबसे ये कोशिश कर पकड़ने के लिए। तो सोचो ये पूरा सिकलिस जैसे है, उससे भी ज्यादा फास्ट है, बहुत फास्ट होता है, पकड़ में नहीं आ रहा है। एक कॉर्नर में अगर ट्राई किया तो जब हम इसको पैकेजिंग करते हैं तो तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, हालत खराब हो जाती है ना। बहुत मेहनत किया लेकिन इनको पकड़ना इम्पॉसिबल है, छोड़ दिया। चलिए चलते हैं हमारे थर्ड टैंक पे। ओह वाह, यहाँ पे कुछ और अच्छे अच्छे फिश दिख रहे हैं मुझे। ये कौन सा है? ये काफी सुंदर फिश लग रहा है, इसका क्या प्राइस है? इसका नाम है गोल्डन ट्रेवली और इसका प्राइस है 3000 रुपया। अगर आपके चैनल के थ्रू आता है तो इसको हम 1850 में देंगे। 1850 में, काफी कम प्राइस में। वाह, ले लो गाइस आकर, जो भी कोलकाता में वो भी आके ले सकते हो। एंड यहाँ पे और क्या क्या फिश है? ये वाले वो है एंजल फिश, उसको कहते हैं स्मोक एंजल हम लोग, ठीक है। तो इसका भी प्राइस है आपका 2100 रुपया तकरीबन प्राइस है। अगर आप आएंगे इसके चैनल के थ्रू तो हम लोग 1200 रुपये में दे देंगे। सही है, सुन रहे हो तो दोस्तों, सब नोट डाउन करके रखो। एंड वो क्या है कॉर्नर पे एकदम? उसको कहते हैं हॉक फिश, हॉक रेड। अच्छा, हॉक रेड। इसका भी प्राइस 2500 तक का है। अगर आपके चैनल के थ्रू आएगा तो हम लोग इसको कर देंगे तकरीबन 1300 रुपये तक कर देंगे। बहुत बढ़िया। और ये छोटा सा क्लाउन फिश है ना? हाँ। ये कौन सा है? ये और ये दोनों सेम है क्या? यहाँ पे जो मैंने देखा वो है क्लार्की क्लाउन, इसको कहते हैं शेबा क्लाउन। तो इसका क्या प्राइस होगा छोटे का? शेबा क्लाउन का प्राइस है आपका 1500 रुपये। अगर आपके चैनल के थ्रू आएगा तो हम लोग इसको 1100 रुपये तक कर देंगे। ओके, और इनका होलसेल भी होगा राइट? हाँ, सबका होलसेल होगा लेकिन उसको पूछना पड़ेगा। ठीक है। एंड यहाँ पे चलते हैं हमारा ये फोर्थ टैंक। यहाँ पे क्या है? इसको कहते हैं 3 spotted डेमसेल। ये भी डेमसेल फिश है, जो ब्लू वाला दिखाया उसका ये दूसरा ब्रीड है। ये इसको ये बहुत एग्रेसिव होता है, इसलिए इसका जो टैंक होता है उसमें उनमें से हिस्से ही रहता है और कुछ नहीं रहता। और इसका जो प्राइस क्या है वो ऊपर में वो दिखाता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है वो। बाप रे। ओके, इनका प्राइस क्या है? इसको कहते हैं हम लोग एम्परर एंजल। बाप रे, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, आई थिंक अब तक का मुझे बेस्ट लगा ये। इसको कहते हैं हम लोग एम्परर एंजल, इसका 6000 प्राइस है। अगर आप लोग चैनल के थ्रू आएंगे तो हम लोग इसको तकरीबन 4000 में दे देंगे। कितना डिस्काउंट, वाह सही है। और इन फिश का क्या प्राइस है? और जो 3 spotted डेमसेल है इसका जो प्राइस है, वो क्या प्राइस बोल रहे हो आप इनका? इसका 1500 रुपया प्राइस है और अगर आपके चैनल के थ्रू आता है तो इसको हम 1000 तक का कर दोगे। अच्छा दोस्तों, एक सवाल मेरे दिमाग में है, वो जो कार्टन आप देख रहे हो ना, तो इन्होंने बोला कि कार्टन अगर हमने ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी किया तो फ्री है, लेकिन वहाँ पे कितना सामान जाना चाहिए? मिनिमम परचेस ऑफ 12,000। आप कोलकाता में रहते हैं या फिर उसके अगल बगल में जैसे कि हावड़ा हुगली में रहते हैं तो आपका मिनिमम ऑर्डर ऑफ 5000 करेंगे तो हम लोग उसको फ्री में डिलीवरी करते हैं। ओके, तो जो लोकली मतलब आप करोगे जैसे कि यहाँ पे हो गया क्या मतलब कोलकाता में, तो 5000 रुपए का भी चलेगा? लोकली में जो रिटेल होता है वो तो सब जानते ही हैं, कम मिल पाता है वो सब। और जो क्या बोलता हूँ, जो लाइव फिश जो ऑर्डर करते हैं वो सब लोग जानते हैं, उसका लाइव फिश ऑर्डर करने में जो शिपिंग जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा रहता है। कभी कभी ऐसा भी रहता है जो फिश का जो प्राइस है उससे भी ज्यादा हो जाता है। जो लाइव फिश पैकेजिंग का जो कॉस्ट होता है, उसको मेंटेनेंस करने का, ठीक है, जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही हाई रहता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर 5000 करने के बाद पूरा शिपिंग फ्री है। ओके, तो फिर असम में डिलीवरी करने का क्या चार्ज लोगे? मैं असम से हूँ, ठीक है, देख लेना। अगर असम से कोई कॉल वॉल करता है तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि मरीन फिश का बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड चल रहा है ना, तो दोस्तों देख लेना। हमारा ज्यादातर ऑर्डर आता है आपका जो साउथ कोलकाता है वहाँ से आता है और चेन्नई जो हैदराबाद से मैसेज ऑर्डर आता है। ओके ठीक है, होपफुली अभी ये वीडियो देखने के बाद और भी लोग ऑर्डर करेंगे, क्योंकि आपका तो बहुत स्टॉक्स आता है, अभी कम हो गया। अभी बहुत ही कम है क्योंकि कल जो गैलेक्सी स्ट्रीट का जो मार्केट था कल था, हाँ उसमें सब आपने मिस कर दिया ना, मैं मिस कर गया वो गैलेक्सी स्ट्रीट का। एनीवेज दूसरा फिश देखते हैं। ये हमारा फिफ्थ टैंक और इसमें एक बहुत ही प्यारा सा मेरा फेवरेट फिश है, ये लाइन फिश है ना? हाँ ये है लाइन फिश। इसको तो हाथ से पकड़ नहीं सकते क्योंकि पॉइजनस है, जो पीछे जो ये है काटा है ये बहुत पॉइजनस रहता है तो इसलिए इसको पकड़ नहीं सकता। ये बहुत हार्डी फिश होता है, ठीक है, इसको सब पाल सकते हैं, कोई
ये कोई डिस्टर्ब नहीं करता किसी को भी। और ये सबके साथ रहता है क्या? हाँ ये सबके साथ रहता है, लेकिन ये आपका गप्पी जो फिश होता है वो खाता है। गप्पी फिश तो लाइव फिश चाहिए रहेगा ना? हाँ इसको लाइव फिश चाहिएगा। इनका फूड वगैरह नहीं? ये फूड नहीं, इसको थोड़ा उधर से भगाओ ना इधर। ये तो इसका कलर मतलब यही रहता है क्या? हाँ यही कलर रहता है। मुझे लगा अलग अलग कलर शायद अवेलेबल होते होंगे। थोड़ा डिपेंड्स रहता है लेकिन कलर एकदम एक्यूरेट यही रहता है। और ये कितना बड़ा होता है? ये बहुत बड़ा होता है, ऐसा इतना तक का बड़ा। ओ इसका प्राइस बताओ अभी, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। इसका जो प्राइस है ये तो 6,000 रुपए का पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके चैनल के थ्रू कोई आता है और बोलता है कि मैंने भैया का वीडियो में देखा था, तो इसका प्राइस हम 3,000 रुपए। 3,000 रुपए, ओके ठीक है। ये है हॉक डियाना फिश और इसका जो प्राइस है 3,000 रुपए तक हो जाएगा। अगर आपके चैनल के थ्रू आता है तो आपका तकरीबन 2,000 में दे देंगे। और ये पीछे जो घूम रहा है इतना प्यारा सा, उसको कहते हैं डॉक्टर एस, ये सभी जानते हैं, ये बहुत ही फेमस है। इसको हम लोग सब स्क्रबिंग करने के लिए या फिर जो पैरों का जो मैल उठा उखड़ता है वो वाला फिश है, इसको क्लीनर रैश कहते हैं हम लोग। अच्छा ये दूसरे मछलियों को घास है जो एल्गी रहता है और जो फंगस रहता है उसको खा लेता है, इसको डॉक्टर रैश बोलते हैं हम लोग। ओके क्या प्राइस है इसका? इसका तो 2,000 रुपये प्राइस है, अगर आपके चैनल के थ्रू आएगा तो हम लोग 1,200 में दे देंगे। ओके सिंगल पीस ना? हाँ सिंगल पीस। तो यहाँ पे स्टॉक्स बहुत होंगे, अभी तो कम हो गया राइट? अभी तो कम हो गया। यहाँ पर एक है, यहाँ पर तो वही वाला है शायद क्लाउन। नहीं ये है, इसको कहते हैं शेबा क्लाउन। ये बहुत ही रेयर होता है। रेयर होता है? ओके ये बहुत ही रेयर होता है। इसको पास से देख लीजिए, ये एग्रेसिव थोड़ा होता है इसलिए इसको अलग से। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत ही बड़ा है। इंडिया में शायद ही कोई देखा होगा इतना बड़ा क्लाउन फिश। बापरे बहुत ही सुंदर है। शेबा क्लाउन कहते हैं इसका, जो दूसरे क्लाउन की तरह इसका मतलब ऑरेंज नहीं होता, ये होता है थोड़ा काला। उठा नहीं सकते ना? नहीं इसको उठा नहीं सकते। ठीक है छोड़ दो। हमने इस तरीके से मराइन फिश का पूरा जो है टैंक्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और स्टॉक्स बहुत आने वाले। कब तक आएंगे आपको पता है? या ओनर कौन स्टॉक आ जाएगा एक महीने में या फिर इस हफ्ते भी आएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो स्टॉक्स आता है तो पूरा भर जाता है ना? पूरा भर जाता है। ठीक है सारा है। हाँ ये सब भर जाता है, ये सब ऊपर के सब भर जाएंगे गाइस। तो मैंने आपको दिखा दिया ओवरव्यू और अभी आप कभी भी कॉल करो यहाँ पे, पूछो, मेरे चैनल के थ्रू जाओ, आपको बहुत फिश मिल जाएंगे मरीन फिशेस। अभी क्या है यहाँ पे दिखाना? ये सब है प्लांटेड एक्वेरियम का। ये बिल्कुल गंदा नहीं है लेकिन ये आप लोगों ने रखा हुआ है एल्गी वगैरह, ऐसे ही रखते हैं, ऐसे रखते हैं राइट। बताना क्या है इसमें? प्लांटेड एक्वेरियम का जो हॉबीज रहता है तो उसके लिए ये सब है। ये क्या बोल रहे थे आप? इसको कहते हैं एल्गी फेदर कलर का। कौन सा? ये जो प्लांट दिख रहा है वो? ये सब प्लांट, ये जो सारा जो प्लांट है इसको कहते हैं एल्गी फेदर कलर का। ये क्या करते हैं, ये सब मेरिन का प्लांट है। ये क्या करते हैं, ये जो मेरिन का जो वाटर है उसको एकदम क्लियर रखते हैं। अच्छा एल्गी फेदर कलर का। इसका जो प्राइस है आपका तकरीबन 3,300 तक पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपके चैनल के थ्रू कोई आता है तो हम लोग 2,500 में दे देते हैं। लेकिन ये कितना प्लांट्स हो गया 2,500 रुपए में? मतलब 2,500 रुपए में एक प्लांट, एक जो दिख रहा है ऐसे। अच्छा, अच्छा। वो एक प्लांट। ओके ये प्लांट का खासियत है कि पूरा वाटर क्लीन कर देता है। वाटर क्लीन करता है और आप देख ही सकते हैं छोटा छोटा जो एयर बबल्स वो भी निकल रहा है। ऐसे की इसे क्या होता है, ये सब जो मछली रहता है उसका हेल्थ ठीक रहता है, उसके एल्गी नहीं रखता, उसका कोई जीवाणु या कीटाणु नहीं आता, बहुत सारा इसका तो नेचुरली पानी क्लीन करेगा। हमें कुछ खरीद पानी क्लीन करने के लिए ये सब रहता है और बबल्स भी बहुत सारा बना रहा है ना वो, बहुत बढ़िया बात। इसको देखने में एकदम जो बर्ड का जो फेदर है वैसे रहता है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए फेदर को लगा। ओके और इधर क्या है? इसको सभी जानते हैं, ये एकदम फेमस चीटोमॉर्फा है। चीटोमॉर्फा इसको कहते हैं, चीटोमॉर्फा ऊपर में भी चीटोमॉर्फा है, हम लोग यहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा तो चीटोमॉर्फा आपका जो पानी का सेम ही है, ये जो प्लांटेड एक्वेरियम रखते हैं कुछ जहाँ पर श्रिंप रहता है, ठीक है, तो चीटोमॉर्फा वहाँ पर प्लेस करता है। तो इसका जो प्राइस है आपका पड़ेगा तकरीबन सेम ही है, 2,300 तक का एमआरपी है। अगर आपके चैनल के थ्रू कोई आता है तो हम लोग 2,000 में दे देंगे। बंच दोगे क्या? मतलब क्या खरीदा तो ऐसा बंच? एक यूनिट होता है यूनिट। अच्छा। हमारा जो वेबसाइट है www.ishrab.in, अच्छा वेबसाइट ने पूरा दिया हुआ है कितना यूनिट मिलेगा। और ये सब मरीन टैंक्स है ना? चीटों हमारे पास सारा इंडिया में यहाँ पर सबसे कम दाम है। ठीक है ये भी सुन लो दोस्तों। ओके और इस टैंक में?
इस टैंक में जो है जो उधर दिख रहा है क्रैब था लेंगा ये ऊपर में एक देखिए। हाँ 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 ओके ये कौन सा है इसको कहते हैं हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब हाँ ये सभी जानते हैं जो हम लोग बीच में घूमने जाते हैं जो क्रैब रहता है हर्मिट मतलब जो झीनुक होता है उसके अंदर जो क्रैब रहता है उसको कहते हैं हर्मिट क्रैब। इसका ये बहुत ही मतलब रेयर एनिमल है तो इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं सेल करते हैं ठीक है। अभी बहुत सारा था 10 पीस था लेकिन ये बहुत छुपे रहता है ठीक है। इसके ऊपर का शेल जो है वो उसी का है ना। हाँ वो उसी का ही है। अच्छा वो सेल भी चेंज करता है अगर आपको आप इसको नया सेल ला के देंगे तो वो इसको उसमें ले लेगा। अच्छा वैसा है ओके खासियत है उसका वो। तो ये ऊपर तो सारा आपने वही रखा हुआ है ना। हाँ ऊपर में जो है वो सब चिटो मार्ट का एकदम नाइफ क्वालिटी का है ठीक है। किसी को भी चाहिए तो वो ऐसे ले सकता है ना। एकदम देखिए एकदम वाओ सही जो जानते हैं जो मेन के व्यापार में सब कुछ जानते हैं वो देख लेगा तो पता चलेगा। ये हमारा लास्ट टैंक यहाँ पे कुछ एक यूनिक सा देखा मैंने। ये क्या है इसको कहते हैं बबल टी मिनिमो। सभी जानते हैं जो फाइंडिंग नीमो जो मूवी निकला था उसमें क्या था कि जो क्राउन फिश होता है जो नीमो फिश होता है उसके साथ ये बबल टी एनिमोन रहता है। ये एकदम फ्लावर की तरह होता है ठीक अच्छा, है अगर इसमें धूप लगेगा या फिर लाइट लगेगा तो ये एकदम फ्लावर की तरह ऐसे खुल जाएगा। अगर लाइट बंद हो गया तो ये ऐसे बुझ जाएगा एकदम फ्लावर की तरह होता है। दोस्तों हम लोगों ने सारे फिश कवर कर लिए और अभी थोड़े से मेडिसिन के ऊपर भी बात कर लेते हैं तो देख लेते हैं अभी क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल है। तो बताओ ये क्या पांच मेडिसिन क्या क्या है। पांच मेडिसिन है इसको कहते हैं फंगी क्योर 2। ये बेस्ट सेलर मेडिसिन है ये और ये बेस्ट सेलर है हमारे यहाँ पर जो अगर जो लोग वेबसाइट में विजिट करते हैं वो भी जानते हैं। ये देखिए ये आपकी कंपनी का ही है ना। हाँ ये हमारी कंपनी का इंडिया ओके। हाँ ये अगर फिश का कोई अगर डिजीज रहता है जैसे कि मारपीट किया हो उसका जो स्किन है वो खराब हो गया हो तो अगर इसकी फिश का जो मेन फिश का जो आपका जो कलर नहीं आ रहा या फिर कलर चला गया तो वो सब चीज ये ठीक कर देते हैं ठीक है। तो क्या प्राइस है इसका। इसका प्राइस देखिए लिखा हुआ है 175 एकदम सेम ही प्राइस है ओके। और फिर ये दूसरा ये है मेरिन टोटल इसको कहते हैं रेफ सिफ ठीक है सेफ ठीक है। तो इसका काम क्या होता है ये हमारा सबसे कॉस्टली मेडिसिन है और ये सबसे बेस्ट सेलर है ठीक है। ये क्या है क्या होता है अगर मेरिन फिश का सेम ही प्रॉब्लम अगर किसी ने मारा हो या फिर वाटर में अमोनिया ज़्यादा हो गया या फिर क्लोरीन ज़्यादा हो गया है ठीक है तो सब जो अगर कोई फिश का डिजीज चल रहा है या फिर कोई मरने वाला है किसका पेट जो है फूल गया है किसका कलर फेड हो गया है तो सारा चीज़ का जो मेडिसिन है वो एक ही एक चीज़ में क्योर हो जाएगा। हाँ अगर पानी पानी भी थोड़ा गंदा है तो पानी भी क्लियर कर देगा। मेरिन के लिए इसका नाम है मेरिन टोटल प्लस ये एक वाटर कंडीशनर रहता है। पैरासाइट को जो फिश के गांव में जो पैरासाइट होता है उसको रिमूव करता है ये और हैवी मेटल्स वगैरह भी निकालता है ना ओके समझ गया। और देखिए इसका ये है कुपिक क्योर ये सभी लोगों ने यूज किया है। कभी कभी इसका नाम जो है डिफरेंट रहता है लेकिन इसका हमारा जो कंपनी का देखिए ब्रांडिंग देखकर तभी खरीदेगा ठीक है। तो ये देखिए जैसे ये जो हमारा मेरिन का होता है या फिर फ्रेश वाटर का उसका जो वाटर का जो लेवल है मतलब उसमें क्लोरीन कितना रहता है अमोनिया कितना रहता है और दूसरा सारा इंग्रेडिएंट सब कुछ बैलेंस करता है ठीक है। और ये है लास्ट कौन सा हाइड्रोक्योर। इसको कहते हैं हाइड्रोक्योर। ये क्या काम करता है ये जो हमारा जो मेरिन का जो सेटअप है जो सब मेरिन का हो या फिर फ्रेश वाटर का हो जो फिश रहता है उसका अगर इन्फेक्शन होता है जैसे कि हमारा इन्फेक्शन होता है स्किन खराब हो जाता है वैसे ही जो वाटर स्किन खराब क्यों होता है जो वाटर का जो क्वालिटी है उसमें अगर नया मछली आए हो आप उसके साथ कोई जीवाणु आया है या फिर कोई बैक्टीरिया आया उन सबको ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है ना के लिए हाइड्रोक्योर यूज होता है ठीक है ओके। तो दोस्तों यहाँ पे एक और खासियत ये है कि अगर आप लोगों को मरीन टैंक सेटअप करना है तो आपको बाहर कहीं नहीं जाना है इनको आपको कॉल करना है या आपके घर पे आके सेटअप करके देंगे। जो भी प्रकार का या जो भी साइजेस का आपको एक्वेरियम सेटअप चाहिए वही करके देंगे। होता है या फिर बेडरूम होता है या फिर बेडरूम है ऑफिस है मतलब आप चेक कर लेना उनको कॉल करके कहाँ पे आपको लगाना है मतलब मरीन फिश का टैंक कहाँ बनवाना है साथ में जो भी यहाँ पे एक्सेसरीज है उनके साथ वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा और सब आप लोग का ही है राइट। हाँ ये सारी चीजें
सब इनके कंपनी का है, आपको कहीं से भी कोई भी मतलब की दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको बस कॉल करना है और आपको जो भी साइज का सेटअप चाहिए वो ये आपको बना कर देंगे। और आपको अगर फिश लेना है तो वो अलग चार्जेस रहेगा राइट, और जो भी कॉस्ट रहेगा वो आपके ओनर से बात करने से हो जाएगा ना। आप हमारा वेबसाइट विजिट कर, हाँ इनका वेबसाइट विजिट कर जो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो एंड साथ में इनका नंबर भी दे दूंगा, चाहो तो उनको कॉल भी कर सकते हो। तो दोस्तों पूरा देख लिया और बहुत अच्छा लगा, अभी जा रहा मैं वापस घर, तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पहली बार मैं अपने चैनल पे मरीन फिश का जो है ये पूरा सेटअप वगैरह और जो भी है दिखा रहा हूँ और ये होलसेल करते हैं यहाँ पर। और कुछ बोलना चाहते हैं, एड्रेस बता दो। ये एड्रेस है केस्टोपुर रोड जो बागावाड़ी के आसपास है। ओके और कोलकाता के लोग तो यहाँ पे आने ही चाहिए जो आसपास रहते हैं, और बाहर के जो भी लोग हैं अगर कुछ भी ऑर्डर करना है तो प्लीज इनको या इनके ओनर को मैं नंबर दे रहा हूँ, तो उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और हमारा नंबर भी अवेलेबल है और वेबसाइट भी है हमारा। हाँ वेबसाइट भी है इनका, वैसे भी विजिट कर सकते हो। ठीक है चलो, तो फिर बाय, टेक केयर, कुछ नए वीडियोस में जल्दी वापस आता हूं, बाय।